नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सुनील सकराल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप बार बार चैनल में आते हैं और हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। आगे चलने से पहले अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको हमारे यूट्यूब के जो वीडियो है वो बार बार मिलेंगे। शेयर करने से क्या होगा कि अच्छी इन्फॉर्मेशन इकोसिस्टम में चली जाएगी और इकोसिस्टम में जाने से वो इकोसिस्टम का एक हिस्सा बन जाएगी, जिससे कि कोई भी उसे कहीं भी देख सकता है। तो आइए चलते हैं हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन। ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन क्या होती है? द ट्रांजेक्शन डन इन द हाई टी नोमिनेशन इज नोन एज हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन। वो ट्रांजेक्शन जो बड़ी मात्रा में की जाती हैं, उन्हें हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन कहा जाता है। ये एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने दी है। ये हम आगे सेक्शन वाइज नहीं चलेंगे, हम आगे हम बिल्कुल सरल भाषा में इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को जो सेक्शन 285BA में फॉल करती हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे, और वो भी जो महत्वपूर्ण ट्रांजेक्शन है जिसमें हमें लगता है कि जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना, हम सिर्फ उनकी बात करेंगे। अच्छा, ये ट्रांजेक्शन होने से क्या होता है? इन ट्रांजेक्शन के होने से ये होता है कि आपको डिपार्टमेंट नोटिस भेजता है, लेटर्स भेजता है, और आपसे जमा कराए गए पैसे के बारे में या उन ट्रांजेक्शंस को जो आपने की हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मांगता है। और वो चीजें एक साल के अंदर भी हो सकती हैं, तीसरे साल में भी हो सकती है, और पांचवें साल में भी हो सकती हैं। और अगर आप उनके लिए तैयार नहीं है तो क्या होगा? आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने में प्रॉब्लम होगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी उस तरह की ट्रांजेक्शंस को एटलीस्ट एक रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपने कंसल्टेंट को दे सकते हैं, अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाते हैं तो अपने कंप्लायंस ऑफिसर को दिखाइए और उनको ये बताइए। अच्छा, अगर आप किसी कंपनी में हैं तो ये वीडियो जो है अपने डिपार्टमेंट में शेयर कर दीजिएगा, आपकी टीम का नॉलेज भी बढ़ेगा और नॉलेज बढ़ने से नॉलेज ही आज का ज्ञान है। चलिए हम पहले ट्रांजेक्शन के बारे में बात करते हैं। If anyone deposit cash aggregating rupees 10 lakh rupees in a saving bank account in a year, अगर कोई एक व्यक्ति 10 लाख या उससे अधिक अपने सेविंग के खाते में जमा करवाता है एक साल में, तो ट्रांजेक्शन इस दायरे में आती है। नंबर दो ट्रांजेक्शन, दूसरी ट्रांजेक्शन हो गया कि जब कोई व्यक्ति या कोई भी 10 लाख या उससे अधिक का DD पे ऑर्डर या बैंकर्स चेक बैंक से लेता है तो वो, और वो भी कैश में, तो वो ट्रांजेक्शन SFT होती है, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी इसे बोला जाता है। पेमेंट एग्रीगेट रुपीज 10 लाख और मोर इन अ ईयर फॉर परचेज ऑफ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स इश्यूड बाय RBI, ये ट्रांजेक्शन भी कैश में अगर कर ली तो आपका जो है SFT में आप फॉलो कर जाएंगे। चार नंबर ट्रांजेक्शन है कैश डिपोजिटेड इन एग्रीगेट ऑफ रुपीज 50 लाख इन वन और मोर करंट अकाउंट ड्यूरिंग अ ईयर, एक पूरे साल में 50 लाख या उससे अधिक का पैसा कैश में जमा करवाना करंट अकाउंट में एक या एक से अधिक खातों में, तो वो इस ट्रांजेक्शन में आती है। नंबर दो, वो जमा करवाना था, अब यहाँ पे अगर आप पैसा निकाल भी लेते हैं ड्यूरिंग द होल ईयर ड्यूरिंग द होल ईयर एक करंट अकाउंट या अधिक करंट अकाउंट से, तो वो भी 50 लाख से अगर ऊपर रहा तो आप उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को भी SFT के अंदर पाएंगे। नंबर छह, जो कैश ट्रांजेक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं, अगर कैश डिपॉजिट किया किसी बैंक के अंदर 2.5 लाख 2.5 लाख रुपए या उससे अधिक नोट बैन के टाइम पर, मतलब 9 नवंबर 2016 से लेकर 30 दिसंबर 2016 तक आपने 2.5 लाख या उससे अधिक पैसा जमा करवाया है अपने खाते के अंदर और वो खाता करंट अकाउंट नहीं है, तो आपको आ सकता है ये डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन लेने के लिए नोटिस। नंबर सात, सातवां ट्रांजेक्शन था कि अगर ड्यूरिंग नोटबंदी आप लोगों ने 12.5 लाख रुपया या उससे अधिक जमा करवाया है करंट अकाउंट के अंदर, तो वो भी जो ट्रांजेक्शन है वो भी इस पर्टिकुलर कंसिडरेशन में फॉल करेगी। अच्छा, कैश ट्रांजेक्शन को हम मान लेते हैं कि कंप्लीट हो गई है, ये कैश ट्रांजेक्शन आपने समझ ली, सेविंग बैंक में पैसा जमाना जमा कराना, करंट बैंक में पैसा जमा करवाना, आपके प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स परचेज करने आपका और कैसे करना करंट अकाउंट के अंदर ड्यूरिंग द ईयर जमा कराना और निकालना दोनों मिलाकर, तो ये सब कैश ट्रांजेक्शन में हमने कवर कर लिया। अभी जो अगला जो इसका पॉइंट है वो है कि आपका इमूवेबल प्रॉपर्टीज के अंदर पैसा जमा कराना।
अगर सेल और परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज एन अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज 30 लाख और अबव, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आप खरीदते हो या बेचते हो और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 30 लाख या उससे ज्यादा की है तो ये भी एक स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। अभी यहां तक तो था अपना जो हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी तक डिस्कस किया। अब अगली नॉन कैश ट्रांजैक्शन आती है, वो होती है टर्म डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस और बैंक। अगर आप ड्यूरिंग द ईयर एक बैंक के अंदर या पोस्ट ऑफिस के अंदर एक टर्म डिपॉजिट करते हैं 10 लाख या उससे अधिक का, तो आपकी ट्रांजेक्शन एसएफटी में मानी जाएगी। और एक बात का और ध्यान रहे, ये जो ट्रांजेक्शन है ये रिन्यूअल नहीं होना चाहिए, मतलब पुरानी एफडी अगर मैं रिन्यू करी है तो नहीं मानी जाएगी, लेकिन अगर आप नया ही कोई टर्म डिपॉजिट कर देते हैं तो वो इसमें कवर हो जाएगी। क्रेडिट कार्ड्स, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड पेमेंट इन कैश एग्रीगेटिंग रुपीज 1 लाख इन कैश, अगर 1 लाख से उससे अधिक आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कैश में कर देते हैं तो वो स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन है। और पूरे साल में मिला के अगर आप 10 लाख या उससे अधिक की पेमेंट कर देते हैं जो कि कैश में नहीं भी होगी तो भी वो एसएफटी में काउंट की जाएगी। फॉरेन करेंसी एक्सपेंडिचर अगर आप करते हैं, देखिए गवर्नमेंट ने भी क्या किया, बोला कि अगर आप बैंक, अगर आप इनकम नहीं शो कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, खर्चे तो नहीं छुपा सकते, अगर आप फॉरेन करेंसी के अंदर 10 लाख या उससे अधिक का खर्चा पूरे साल में कर देते हैं थ्रू डेबिट कार्ड, थ्रू क्रेडिट कार्ड और थ्रू ट्रेवलर्स चेक्स, तो वो भी एसएफटी मानी जाएगी। अच्छा, अगर अभी आजकल के जो हाईटेक जमाना है इसमें सभी लोग स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड सही है, ऐसा बहुत सारे विज्ञापन भी आपने देखे होंगे, उनमें डील कर रहे हैं, उनमें काम कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग द ईयर 10 लाख या उससे अधिक जो भी मैंने अभी इंस्ट्रूमेंट बताए, अगर उसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है 10 लाख या उससे अधिक की, तो वो भी एसएफटी में कवर माने जाएंगे। ट्रांजैक्शंस के अंदर एक आखिरी ट्रांजैक्शन की डिस्कशन करता हूं, वो ट्रांजैक्शन जो किसी भी व्यक्ति से, यदि आपने 2 लाख रुपए से अधिक की कोई चीज परचेज करी, किसी को पेमेंट की, परचेज नहीं बोले हम, बोले कि आपने अगर ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख या उससे अधिक की पेमेंट किसी को करी है कैश में अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सेवाएं लेने के लिए या कोई सामान खरीदने के लिए, तो वो जो आपने ट्रांजेक्शन कर ली वो ट्रांजेक्शन इस कैटेगरी में आती है। इसकी एक इसका क्राइटेरिया है कि वो जो पर्सन है जिससे आपने ये परचेज किया है या सेल किया है, परचेज किया है, तो वो जो पर्सन है वो पर्सन 44AB के अंदर ऑडिट में कवर होना चाहिए तो ही रहता है। अच्छा, एक क्वेश्चन कि पूरे साल में अगर हमने कोई ट्रांजेक्शन कर ली मान लो तो हमें कैसे पता चले? जी हाँ, उसको पता चलने के लिए हमारे पास एक टूल है 26AS स्टेटमेंट। जो फॉर्म 26AS होता है ये एक स्टेटमेंट रहती है जो हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक टूल मिला हुआ है। चलिए इसकी डेफिनेशन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। ऑल हाई वैल्यूज ट्रांजेक्शन रिपोर्टेड बाई थर्ड पार्टीज आर विजिबल इन 26AS। फॉर्म 26AS इज अ कंसोलिडेटेड एनुअल टैक्स स्टेटमेंट इशूड बाय द IT डिपार्टमेंट एवरी ईयर। You can download Form 26AS from Income Tax Department, Income Tax Filing website. Form 26AS shows how much tax is credited in your account from various sources like salary, pension, bank interest, commission. Apart from this, Part E of Form 26AS contains annual information report, जो कि इन सब चीजों की information देती है। तो ये सभी हम लोगों ने अभी तक डिस्कशन किया है। अच्छा, और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कौन देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को? तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये जो देंगे वो है बैंक्स, प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, पोस्टमास्टर जनरल ऑफ पोस्ट ऑफिस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज इशूइंग शेयर्स, डिबेंचर्स एंड म्यूचुअल फंड्स। मैं गलती से बैंकिंग कंपनी बोल गया जबकि ये ब्रोकिंग कंपनीज है। और क्रेडिट कार्ड कंपनीज जो कि ये सब क्रेडिट कार्ड्स को चैनलाइज करती है, उनकी पेमेंट इनके पास आती है। तो इतना ही था अभी तक सारा का सारा टॉप ट्रांजैक्शंस में जिनके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पूरी नजर रहती है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको ये शेयर करने लायक लगता हो तो शेयर इसको जरूर कर दीजिए।
बार बार चैनल में आने के लिए, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद।